इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तो उसका असर होगा ना हमारे दीन में, क्यों मना किया हुआ है ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फांसी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। और वो ही नहीं, जब हिंदुस्तान ने, बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया, वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फोन इस वक्त कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। सो इसके लिए हमें सारे एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। हमारे तो कोई डिस्कोज नहीं है, कोई नाइट क्लब्स तो नहीं है कि जो आम आदमी आप जब उनको एक किस्म की एक कल्चर दिखा दें और उसके बाद उनको यहां, तो माहौल ही कुछ और है। तो इसका कोई तो बुरा असर जाना था ना माशरे में। वज़ीर आज़म इमरान खान, अच्छा बज़ाहिर इस बयान में ज़ाहिर है कोई बात नहीं है, फाशी जो है वो कौन चाहता है कि फैले और रेप कौन चाहता है हो, लेकिन इस पे जो बुनियादी एतराज़ किया जा रहा है वो ये है कि विक्टम को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, उसे ब्लेम किया जा रहा है कि असल में तेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर तू ये ना करे तो ये ना हो। जब तक के माशरा इज्तमाई तौर पे कोशिश ना करे मिल मिला के, और फिर उसके बाद उन्होंने अपना नज़रिया भी पेश किया कि ये मसला पैदा क्यों होता है, आप क्या कहती हैं, आपने भी ये गुफ्तगू तो सुनी होगी। मुझे लगता है एक बहुत अजीब चीज़ है कहने की कि कवानीन से माशा नहीं बदलता, और फिर ख़ुद से ऐसे बयानात देना जो ना सिर्फ बेहिस हैं बल्कि ख़तरनाक बयानात हैं, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं, हमें पता है कि बुरके वाली औरतों के साथ भी होता है, चादर पहनती हैं औरतें उनके साथ भी होता है, अपनी जो कब्रों में ख़वातीन होती हैं, जैसे उकाड़ा में हुआ था, उधर से खोद के निकाल के उनका रेप किया जाता है। तो ये एक बहुत डेंजरस बात है करने की, और वज़ीरे आज़म साहब को इसकी माजरत करनी चाहिए तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन से। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि एक रीज़न ये भी है कि जब ख़वातीन इस तरह बन ठन के निकलती हैं या माशरे में फाहशी फैलती है तो फिर ये होता है कि कुछ मर्द होते हैं उनमें कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है, लिहाजा वो ज़ाहिर है कि वो बेकाबू हो जाते हैं। आपने कहा जी कि बुरके में भी ऐसा हो जाता है, और जो अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो कसूर में ज़ैनब जो कि 10 साल की बच्ची थी उसको कत्ल किया गया रेप करने के बाद, तो उसने कौन सी फहाशी फैलाई होगी, वो मुलज़िम कैसे बेकाबू हो गया होगा। फिर ये भी मिसाल है कि जो खाना जंगियों के दौरान इज्तमाई रेप होते हैं, तो क्या ये तमाम ख़वातीन जिनके जंगों के दौरान रेप होते हैं ये कौन सी फहाशी या कौन सा फैशन करती होंगी जिनकी वजह से पूरे पूरे दस्ते बेकाबू हो जाते हैं। तो अच्छा, कुव्वत बर्दाश्त का ये कारोकारी के जो मुलज़िम हैं वो भी यही आर्गूमेंट देते हैं बेसिकली कि देखें जी हमने गैरत में आके जो है वो मार डाला और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये कुव्वत बर्दाश्त वर्सेस कानून, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो नहीं है कंपैरिजन। देखिए, जहाँ तक कुव्वत बर्दाश्त की बात है, आई थिंक ये बात पाकिस्तानी मर्दों के लिए भी इंसल्टिंग होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि आप एक औरत को देखकर अपने आप पर आपका काबू नहीं होता। और अगर इस तरह के लोग हम इस माशरे में हैं जो औरत को देखकर, और हमें ये भी याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक माशरा है जहाँ ख़वातीन वैसे भी पब्लिक स्पेसेस में बहुत कम होती हैं, हमें बहुत कम ख़वातीन नज़र आती हैं, चाहे अदालतों में आप बात करें हो या बसेस में या इस तरह की कोई और पब्लिक स्पेस में, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देना ये उस ज़हनियत को रिफ़्लेक्ट करती हैं जो विक्टिम को ब्लेम करती हैं, और जो असल जो मसले की जड़ है
उस पर नहीं जाती, और वो जो मसले की जड़ है वो रेप कल्चर है, और इस तरह के बयानात उस रेप कल्चर को फॉस्टर करते हैं। क्योंकि जब आप कसूर उस औरत पे डालते हैं या उस बच्चे पे डालते हैं जिसके साथ जुल्म हुआ है या जिसके साथ जिंसी ज्यादती हुई है, तो फिर आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं और आप रियल इशू पर बात नहीं कर रहे। लेकिन इससे मुजरिम का तो फायदा हो जाता है ना, उसको तो ढाल फराहम हो जाती है, मतलब कि देखें साहब जो टॉप लीडरशिप है वो भी यही कह रही है कि भाई साहब ये जो औरतें हैं ये ऐसे क्यों करती हैं, तो ये मुजरिम बड़ा तकवीत महसूस करता होगा ना कि जी मेरा कसूर इतना नहीं है, अगर मैं कसूरवार हूँ तो आप भी हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म साहब पैगाम दे रहे हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनसे ये बयान आना, और ये पहली दफ़ा नहीं है, उन्होंने बहुत सी दफ़ा ख़वातीन के जो सेंसिटिव हसास मामले होते हैं उन पर गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किए हैं, और उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं इस मुल्क में उनके साथ इतना जुल्म होता आ रहा है, और वज़ीर आज़म से कॉन्डमनेशन उस चीज़ की नहीं आ रही, इंस्टेड वो रेपिस को इंकरेजमेंट दे रहे हैं कि आप अपने आप पर काबू नहीं पा सके या आपकी गलती नहीं है। अच्छा, ये तो वज़ीर आज़म ने कहा कि इन लॉज से कुछ नहीं होगा, खैर लॉज बने भी और हमने देखा खासे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुई है, मगर अगर हम अदलिया की तरफ आ जाएं तो अभी भी रेप के केसेस में जो शरह है वो तकरीबन 3% से नहीं बढ़ रही, और ये सालाना रिपोर्ट होता है कि केसेस जो है वहाँ जाते हैं, और उसमें वजह ये होती है क्योंकि रेपिस्ट या तो फैमिली का मेंबर होता है या जानने वाला होता है, तो पैचअप हो जाता है, उसके में रियासत शायद कुछ नहीं कर सकती, तो ये कमज़ोरी नए रेपिस्ट पैदा करती। आई थिंक एक तो ये भी है जो आपने पॉइंट रेज किया है, बट हमें इस चीज़ को भी तस्लीम करना होता है कि इस मुल्क में रेप पर बात करना या अगर आपके साथ ये हुआ है ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और जो अदालत का पूरा कल्चर है जो हम देखते आते हैं रोज़ कि अगर खातून रेप का केस करती है उससे किस तरह के सवालात अदालतों में पूछे जाते हैं, उसकी किरदार कशी की जाती है, इवन दो कानून तब्दील हो चुके हैं आप अब औरत की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है उस पर नहीं सवालात उठा सकते, बट हम देखते हैं प्रैक्टिस में ये चीज़ें होती हैं, तो इस लिहाज से भी एक बहुत हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है ख़वातीन के लिए। अच्छा, एक वज़ीर आज़म साहब ने अपने जो खिताब में रीज़न दी वो ये था कि जी हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो भी बहुत गुल खिला रही हैं इस कल्चर को फ़रोग देने और इसकी हौसला अफजाई के लिए, और हत्ता के जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उसमें बच्चों के लिए जो मटेरियल है वो सब है। अब मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे यहाँ पिछले 2 साल से तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको बता दें आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट था कि बुरखा हिजाब पहनने से जो मर्द हैं वो रेप नहीं करेंगे, मतलब मर्दों को विल पावर कमज़ोर हो जाती है अगर औरतें बुरखा हिजाब या मतलब ऐसे कपड़े पहनती हैं जिससे कि मतलब मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल बयान है। तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा एनिमल पॉर्न देखा जाता है, पॉर्न देखा जाता है, आप समझ सकते हो इतनी छोटी आबादी है भारत के कंपेरिज़न में, फिर भी पाकिस्तान में पॉर्न देखने के मतलब जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आपको बता दूं कि यूट्यूब में वीडियोज़ पड़ी हैं कब्र में औरतों के साथ तक रेप होता है, बच्चे छोटे ऐसे ऐसे लोगों के साथ रेप होता है। हालांकि रेप के केसेस तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको भी पता है, और इंडिया में भी इस तरीके के बयान आते हैं। इंडिया में तो इस तरीके के बयान आते हैं कि बच्चे हैं बच्चों से गलती हो जाती है, मतलब आप समझ रहे हो कुछ नेता ने इस तरीके के बयान दिए हैं। तो इस बात को लेकर दोस्तों सारी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब है इमरान खान के मतलब इस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ बयान दी जा रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि ये और बुरखा हिजाब पहनने से रेप हो जाते हैं मर्दों का, मतलब इसमें आप उनको सीधा सीधा क्लीन चिट दे रहे हो, उनके उनको जो उनके दिमाग में गंदगी भरी है या जो वो सोच रहे हैं जो हवस भरी है उसको आप सीधा सीधा क्लीन चिट दे रहे हो, और कमज़ोर को मतलब आप क्या बोलूँ मैं आपको उसी को मतलब बोल रहे हो कि आपकी वजह से ही रेप हो रहा है। तो आपके क्या कमेंट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि डेफिनेटली आपने और भी कुछ अच्छे सुझाव दिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।